नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रगति द्विवेदी। साल 2020 ने हमारी जिंदगी में कई बदलाव किए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना हमारी जिंदगी के न्यू नॉर्मल बन गए। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना हो, स्टेशन हो या एयरपोर्ट, आरोग्य सेतु ऐप होना आपके फोन में जरूरी हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, आने वाले समय में कोरोना पासपोर्ट आपके पास होना जरूरी हो सकता है। क्या है ये कोरोना पासपोर्ट और क्यों है ये जरूरी, आइए समझते हैं। क्यों पड़ी वैक्सीन पासपोर्ट की जरूरत? ब्रिटेन ने सबसे पहले फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी, जिसके बाद अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया, कनाडा जैसे देशों में भी वैक्सीन देने का काम शुरू हो चुका है। भारत में भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुछ राज्यों में तो ड्राई रन भी शुरू हो गया है और इसका असर अब 2021 में भी पड़ेगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की तरह वैक्सीन पासपोर्ट यानी डिजिटल हेल्थ पास भी अब जरूरी हो सकता है। क्या है वैक्सीन पासपोर्ट? जरूरी नहीं कि वैक्सीन पासपोर्ट वैक्सीन कार्ड हो, जैसा ब्रिटेन में वैक्सीन लगाए जाने के बाद लोगों को दिया जा रहा है। ये आरोग्य सेतु जैसा मोबाइल ऐप हो सकता है, जिससे आपके कोविड स्टेटस का पता लगाया जा सकेगा। इस ऐप पर आपको अपने कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन की जानकारी अपलोड करनी होगी। बहुत मुमकिन है कि इंटरनेशनल ट्रेवल, मूवी थिएटर में एंटर करने के लिए, ऑफिस या फिर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपना कोविड स्टेटस दिखाना न्यू नॉर्मल होगा। इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए इसे पासपोर्ट की तरह अनिवार्य रूप से लागू किया जा सकता है। ये कैसे करेगा काम, समझिए। कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क ने कॉमन पास ऐप बनाया है, जिस पर यूजर अपनी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट या वैक्सीन लगने का प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। इसमें हर यूजर को एक QR कोड के रूप में पास मिलता है, जिसे अथॉरिटीज के पास दिखाया जा सकता है। ये कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़ा हुआ है और कई एयरलाइन से भी हाथ मिला चुका है। इसी तरह IBM ने भी डिजिटल हेल्थ पास नाम से एक ऐप बनाया है, जिससे कंपनियां अपने यहाँ एंट्री देने से पहले किसी भी व्यक्ति की जरूरी हेल्थ डिटेल्स, जैसे कि कोरोना टेस्ट और शरीर का तापमान, चेक कर सकती है। इसी तरह IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी एक मोबाइल ऐप पर काम कर रहा है। माना जा रहा है ये दुनिया भर में ट्रेवल पास की तरह समझा जाएगा। IATA के इस ऐप में यात्री के कोरोना टेस्ट, उसे वैक्सीन लगी है या नहीं, जैसी जानकारियां होंगी। ऐप पर यात्री का QR कोड होगा और इसे स्कैन करते ही उसकी सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। इस देश ने शुरू किया वैक्सीन पासपोर्ट। इजराइल ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश होगा। इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए ग्रीन पासपोर्ट जारी करने का ऐलान किया है। यह पासपोर्ट उन लोगों को जारी किया जाएगा जिन्हें कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। इजरायली सरकार का कहना है कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि वैक्सीन लगवाने वाले नागरिकों को दूसरे देशों की यात्रा के दौरान क्वारंटीन और कोरोना के दूसरे प्रतिबंधों से छूट मिल सके। क्या कारगर होगा वैक्सीन पासपोर्ट? WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कई देशों ने वैक्सीन पासपोर्ट का सुझाव दिया है, लेकिन ये कारगर नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ये कहना मुश्किल है कि जिन्हें कोविड हो चुका है उन्हें दोबारा संक्रमण नहीं होगा। दूसरा ये भी कि कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर होगी, अभी ये भी कहना मुश्किल है। चाइनीज कंपनी साइनोफार्म की वैक्सीन का असर 86% बताया जा रहा है, वहीं फाइजर और मॉडर्ना अपनी वैक्सीन को 94% तक असरदार बता रहे हैं। वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।